हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एसएससी की वेबसाइट पर अभी अभी अपलोड हुई है फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन एंड दिस इज अबाउट एसएससी सीजीएल 2017 एंड सीएचएसएल 2017 के बारे में है। क्योंकि जब से सीजीएल 2018 के टीयर 1 का रिजल्ट आया था, सीजीएल वाले 2017 के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनका परेशान होना बिल्कुल लाजमी था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा समय हो गया है, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब स्टे भी वैकेट हो चुका है, फिर भी सीजीएल ने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, ना ही सीजीएल 17 वाले बच्चों का, ना ही सीएचएसएल 17 वाले के बच्चों का। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इसलिए एसएससी ने ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपकी रिलीज़ की है। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं क्या कुछ इसमें कह रहा है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका ये कह रहे हैं कि 17 वाले बच्चे बहुत ही, जब से रिजल्ट आया है सीजीएल 2018 का, तब से बराबर ये लोग अपने रिजल्ट का रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉम्प्ट रिप्लाइज आर गिवन टू दीज रिप्रेजेंटेशंस। तो वो कह रहे हैं उन सभी रिप्रेजेंटेशंस के लिए मैं एक जनरल रिप्लाई दे रहा हूँ। तो विद रिगार्ड टू सीजीएल 2017, इट इज रीट्रेटेड दैट इमीडिएटली आफ्टर द टीयर 2 एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड इन फरवरी 2018, उसके ऊपर मैटर सब्जुडिस हो गया और उसके बाद 31/8/2018 को उसके ऊपर से इंटरिम इंजेक्शन रिस्ट्रेन द कमीशन फ्रॉम डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द सेड एग्जामिनेशन। यानी कि पिछले साल 31/8/2018 से स्टे लगा और जिसकी वजह से सीएचएसएल 2017 या सीजीएल 2017 का रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि 9/5/2019 को स्टे वैकेट हुआ जो कि 31/8/2018 को लगा था। हाउएवर एनी एक्शन इन दिस रिगार्ड वॉज मेड सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। फिर भी अभी ये कहा गया कि कोई भी फाइनल एक्शन जो है वो अभी नहीं हो सकता है, वो फाइनल एक्शन ऑनरेबल कोर्ट के उसके फाइनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद इन्होंने कहा जैसे ही स्टे हटा, हमने सभी बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए हमने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी। उसके बाद इन दिस रिकॉर्ड टू बी इट वुड बी रिलेवेंट टू मेंशन दैट कमीशन हैज बीन हैविली एंगेज्ड इन द कंडक्ट ऑफ इट्स एग्जामिनेशन इन रिस्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी विद द एनुअल कैलेंडर 2019-20 ड्यूरिंग दिस पीरियड। सिंस मे 2019 द कमीशन हैज कंडक्टेड 3 ऑफ इट्स मेजर मैंडेटेड एग्जाम्स नेमली। तो उसके बाद उन्होंने कहा जैसे ही यह हुआ, इस दौरान हमने 3 मेजर एग्जाम कंडक्ट कराए, सीजीएल टीयर 1 का जिसमें 25.97 लाख कैंडिडेट्स बैठे, सीएचएसएल 2018 का यानी जिसमें 29.68 लाख कैंडिडेट्स बैठे और एमटीएस का जिसमें 38.58 लाख कैंडिडेट्स बैठे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चे बार बार रवि सर को कांटेक्ट कर रहे थे और रवि सर ने कई बार मैटर को अपने प्राइम टाइम में बताया भी और बोला भी, इसीलिए वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम बिजी थे, हमने इतने सारे एग्जाम भी कंडक्ट कराए, ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे हैं, हमने रिजल्ट नहीं निकाला है। फिर उसके बाद कहते हैं ड्यूरिंग द सेड पीरियड कमीशन हैज आल्सो प्रोसेस्ड द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा है इस समय में हमने 2 इन एग्जाम के रिजल्ट भी निकाले, किसके, सीएचएसएल 2017 के टीयर 2 का जो कि 10/5/2019 को, सिलेक्शन पोस्ट फेज 4 एग्जामिनेशन 2018 का 17/5/2019 को। उसके बाद इन्होंने कहा सीपीओएसआई पेपर 1 का हमने रिजल्ट निकाला 25/5/2019 को और जीडी का एग्जाम हमने निकाला 26/6/2019 को। फिर कहते हैं डिस्पाइट इट्स एक्सट्रीमली टाइट शेड्यूल द कमीशन हैड प्रायोरिटाइज्ड द कंडक्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट फॉर 35,990 कैंडिडेट्स फॉर सीजीएल 2017 बिटवीन 16/6/2019 से लेकर 31/7/2019 तक। यानी कि इस पीरियड के दौरान इन्होंने कहा कि हमने इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद भी डीवी कंडक्ट कराया, स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया 35,990 बच्चों का सीजीएल 2017 के लिए। और इसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द इवैल्यूएशन ऑफ स्किल टेस्ट सीपीटी एंड डीईएसटी इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उन्होंने कहा ये जो स्किल टेस्ट के जो एग्जाम का पेपर होता है सीपीटी और डीईएसटी का, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चूंकि ये बात इनकी सही है क्योंकि ये काफी मैनुअल होता है इसमें सारा काम। इसमें जैसे हम लोग जो ऑनलाइन पेपर देते हैं ये तो सारा काम कंप्यूटराइज है, लेकिन स्किल टेस्ट की कॉपी और डीएसटी की कॉपी सारा मैनुअली चेक होती है। इस वजह से ये एवरेज टेक्स अराउंड 3-4 मंथ्स। ये बात सही है क्योंकि सीजीएल 2017-16 का मुझे याद है जैसे स्टे हटा था मार्च में, तो हमने कहा था रिजल्ट अगले महीने सर दे दीजिए, तो उन्होंने कहा था नहीं रिजल्ट में समय लगेगा और मार्च में उसमें स्टे हटा था और रिजल्ट आया था उस बार 5 अगस्त 2017 को रिजल्ट आया था। 5 अगस्त 2017 को रिजल्ट आया था और जबकि मार्च में स्टे हट गया था, 20 मार्च को हमने टीयर 3 दिया था और शायद अप्रैल में स्टे वगैरह कुछ हटा था ऐसा ही, हाँ शायद मार्च से पहले ही हटा था, 20 मार्च को हमारा टीयर 3 हुआ था, उसके बाद हमारे हुआ था, 5 अगस्त तक इन्होंने रिजल्ट दिया था। तो समय लगता है 3-4 महीने का, ये हर बार का है इनका।
फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट. द इवैल्यूएशन ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ द 2017 इज करंटली अंडर प्रोसेस एंड इज लाइकली टू बी कंडक्टेड बाई नवंबर 2019. इन्होंने कहा है कि जो ये स्किल टेस्ट का जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस है, इसमें अभी समय लगेगा और नवंबर 2019 तक ये कंप्लीट हो पाएगा. यानी कि अगर नवंबर में ये कंप्लीट होगा, अभी हमारा चल रहा है अगस्त, यानी कि सितंबर अभी इनको चेक करने में लगेगा, अक्टूबर चेक करने में लगेगा, नवंबर में स्किल टेस्ट कंप्लीट होगा. इसका मतलब उसके बाद ये रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें भी आप कम से कम 2 महीना मान लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप पेस देख ही सकते हो क्या स्पीड है, उस हिसाब से दिसंबर और जनवरी तो लग ही जाएगा. तो आप ये मान के चल सकते हो कि रिजल्ट आपका जनवरी या फिर फरवरी एंड तक आपका आएगा, ये मान के चल सकते हैं. यानी कि जैन और फेब 2019 तक आएगा. तो एक तरीके से जितने भी स्पेकुलेशंस थे उनको इन्होंने हवा देना बंद कर दिया. जितने भी स्पेकुलेशंस थे उन्होंने कहा कि नहीं, रिजल्ट आप ये समझ लो नवंबर 2019 तक जब कॉपी ही चेक होगी, इसका मतलब है कि रिजल्ट आपका जनवरी फरवरी से पहले तो नहीं आ रहा है कहीं से भी, ना ही मुझे आता दिख रहा है. ठीक है. इट वुड बी ऑल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द कमीशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एमटीएस एनटी एग्जामिनेशन 2019 हैज ऑल्सो प्रायोरिटाइज्ड एंड अंडरटेकन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट ऑफ 33,967 कैंडिडेट्स ऑफ CHSL 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 16/8/2019 से लेकर 22/9/2019 तक. उनका कहना है कि जैसे ही एमटीएस का एग्जाम खत्म हुआ है, हमने CHSL वालों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट का काम शुरू कर दिया है 33,967 बच्चों का, जो कि 16/8 से लेकर 22/9 तक होगा. इसका मतलब आप ये समझ लो 22/9 तक जब ये चलेगा तो इसके इसमें जब समय लगेगा, आप ये समझिए कि इसका जो इनका जब काम खत्म हुआ है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने इसके में लगे हैं, इसका मतलब 4 महीने इसमें भी लगेंगे. तो आप ये समझ के चल सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने इसकी कॉपी चेक करने में लगेंगे और रिजल्ट आएगा इसका करीब फरवरी या मार्च में जाके. यानी कि आपका फरवरी मार्च में आएगा रिजल्ट CHSL 2018 का सफर 2020 में, सॉरी ये 2019 लिख रहा हूँ मैं, 2020 में. ठीक है. तो अब बाकी क्या ही कहा जा सकता है इस सिस्टम के बारे में, कुछ कहना ठीक नहीं होगा. आप लोग खुद समझदार हैं, जो भी आपकी भावनाएं हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. और आशा करता हूं जितनी बात मैंने बताई आपको समझ में आई होगी. अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं और अगर हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस. सब्सक्राइब करने के लिए आप प्लस पर जाइए. 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपका 5,000 रुपये है. उसके बाद आपको मेरा रेफरल कोड एंटर करना होगा जो कि है अमन त्रिवेदी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो ये कॉस्ट 5,000 दिख रही है ये घट के 4,500 हो जाएगी. उसके अलावा आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे, आप इन्हें भी अप्लाई करेंगे तो 10% का और डिस्काउंट मिल सकता है. तो ये कॉस्ट 4,320 तक जा सकती है, इससे भी कम हो सकती है अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे अमन त्रिवेदी. हमारा जो कोर्स अभी चल रहा है वो 2019 के लिए शुरू हो गया है. आप अगर चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं. अगस्त 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक ये कोर्स चलेगा. ठीक है. पूरी आपकी 2019 की तैयारी इसमें हो जाएगी. इसके अलावा अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं सभी के कोर्सेज आप देख पाएंगे, फिर वो कोई भी टीचर हो, जितने भी टीचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं. इसके अलावा मैं amantrivedi.com पर लॉगिन करके आप मेरे डेली असाइनमेंट्स को कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, जिसमें मैं डेली 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश देता हूँ. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक. और फेसबुक पे आप मेरा पेज लाइक कर सकते हैं जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.